बोले धानवंतरम द्वादशम, धानवंतरम द्वादशम त्रयोदशमेव च। आहा क्या बात है, भगवान का बारहवां अवतार कौन सा हुआ है? धनवंतरी देव के रूप में। ग्यारहवां अवतार किसका था? कच्छप का। अर्थात जब मंथन हो रहा है तो मंथन होते में भगवान ने कच्छप अवतार लिया, ठीक है। अब बीमार पड़ गए, अब हम नहीं साध पाए अपनी इंद्रियों को, हम व्यवस्था नहीं कर पाए, तो भगवान ने बारहवां अवतार लिया। बोले किसका? धनवंतरी वैद्य का। ये जो धनवंतरी वैद्य है, ये वैद्य जरा विचार करिए, वैद्य अच्छा, पहले के वैद्य क्या करते थे? अब इसको थोड़ा शरीर में घटाइए। पहले के वैद्य क्या करते थे? क्या करते थे? इलाज कैसे करते थे महाराज जी? नाड़ी पकड़ के। कैसे करते थे? नाड़ी पकड़ करके करते थे। आप लोग देखेंगे ना यहाँ, ये आप लोग भी कर सकते हैं। ये जो अंगूठा है ना, ये अंगूठे के बगल से यहाँ से, ये अंगूठे के बगल से यहाँ से तीन नाड़ियाँ जाती हैं, और यहाँ से आप अपनी इसको तीन उंगलियाँ हैं, इन तीन उंगलियों को आप अंगूठे के नीचे रखेंगे तो आपको यहाँ पे नस जो है वो फड़कती हुई सी नजर में आ जाएगी। हाँ, ऐसी तीन उंगलियाँ, ये तीन उंगलियों का है कमाल, ये वात कफ और पित्त, ये ऊपर नीचे अपनी उसकी गति बता देती है। ये तीन उंगलियां जो है वात कफ और पित्त का मिलान करने के लिए होती है, कि इसका वात वायु खराब है, या इसका पित्त खराब है, या जो है इसका कफ खराब है। ये जो कोरोना बीमारी है ना, ये जो है कफ सूचक है। ये कोरोना बीमारी आयुर्वेद के अनुसार अगर कहा जाए तो कोरोना बीमारी जो है वो कफ सूचक है, कफ की बीमारी है महाराज जी। इलाज नहीं है कफ। हाँ, इलाज सिर्फ एक ही, बड़ा सुंदर सा इलाज है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, इलाज सिर्फ एक ही है, कोई इलाज नहीं है, मैं मान रहा हूं। और सबसे प्रमुख बात है, मैं आज आपको दावे के साथ में कह रहा हूं, अच्छा ये जितना भी चीजें दी जा रही है सब इम्यूनिटी सिस्टम के लिए दी जा रही है। आज मैं यहां से बैठ करके आपको बड़ा सुंदर सा एक ही इलाज बताए दे रहा हूं, कुछ मत करिए आपके। अच्छा ये हो क्यों रही है? बोले जब जुखाम हो जाता है, जुखाम जम जाता है, तो वह जुखाम का इंफेक्शन शरीर के अंदर हो जाता है। जरा विचार करिए, अच्छा आप शुरुआती क्यों होने दो, आप जुखाम जमने ही क्यों दो, आप जुखाम ही क्यों जमने दे रहे हैं? बोले जुखाम जमने क्यों दे रहे हो? बोले जुखाम नहीं, नजला खराब होता है। जरा विचार करिए, मेरा हमारे एक जो है ये अभी अमर देख रहा होगा शायद, बाबा की कृपा है, बिटिया को लेकर के जा रहा था दिल्ली, और इसकी नाक में जो है उसको सांस लेने की, उसकी डॉक्टरों ने बता दिया कि ऐसे हो रहा है कि इसकी हड्डी वो इसका ऑपरेशन होगा, ये होगा वो। अकस्मात बाबा के दरबार में लेकर के आया, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, इसकी नाक में सरसों का तेल लगा दे। क्यों रे अमर, है कि नहीं है? जरा विचार कर। हाँ बिल्कुल टनाटन, बढ़िया। नाक में जैसे ही सरसों जो है एंटीऑक्सिडेंट पाया जाता है सरसों के अंदर, और जो सरसों के अंदर एंटीऑक्सिडेंट होता है तो उसके अंदर में स्थिति क्या है? बोले जब आप नाक में लगाएंगे तो नाक के द्वार खुले रहेंगे, आपका जुखाम कभी जमेगा नहीं, और जब जुखाम जमेगा नहीं तो वो हमेशा बहेगा। बहता हुआ जुखाम अच्छा होता है, आप पहुंचते रहिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जमा हुआ जुखाम वह आपका नजला बन जाएगा, और नजला जब बिगड़ जाता है तो उसकी कोई दवा नहीं होती। यह कफ सूचक है कोरोना, और इसका कफ सूचक का बोले सबसे बड़े कफ नाशक, जो कफ को बनाने वाली जितना आहार है आप उसको मत लीजिए, कफ को समाप्त करने वाला जितना आहार है आप उसको लीजिए। अब जरा विचार करिए, कफ को समाप्त करने वाला आहार कौन सा है? कफ को समाप्त करने के लिए हल्दी है, रात्रि को हल्दी दूध में डाल करके गर्म दूध में पीजिए। बिल्कुल नहीं होगा, ज्यादा क्यों पी रहे हो, अति सर्वत्र भर जाए, मात्रा दी गई है, ऐसा थोड़ी ना। नाक में खून डालना, नाक में आप जो है एक उंगली डालिए सरसों के तेल में, और तेल में डाल करके अपनी नाक के अंदर लगा लीजिए,
बस और सांस खींच लीजिए। छोटे छोटे बच्चों को तो हमारे यहाँ पर मस्तिष्क को तेज करने के लिए पहले कई घरों में दादी माँ वगैरह जो थी माताएं वगैरह वो देसी गाय के घी को हल्का सा गर्म करके गुनगुना करके उसकी नाक में डाल देती थी लेटा करके, सर को नीचे करके कहती खींच ले और नाक को खींचता और घी जो है वो यहाँ पहुंच जाता था। नो 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 महाराज जी, जरा विचार करिए, जॉनसन बेबी ऑयल, सॉरी, ये जो आप जरा विचार करिए हमारे यहां पर देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें का, ये आप उसका बादाम का शेप देखिए आपने, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनका आपने शेप देखा है, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनका आप शेप देखिए, इनका आकार देखिए, ड्राई फ्रूट्स बादाम आंख के जैसा है, कैसा है आंख के जैसा है, तो आंख के लिए बादाम बढ़िया है। काली मिर्च पुतली की तरह होती है, कैसी होती है पुतली की तरह, तो काली मिर्च आंखों की शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। अखरोट, अखरोट होता है, अखरोट जरा विचार करिए उसको खोल के देखो तो कैसा लगता है, ऊपर से देखो तो कैसा लगता है, जब उसको तोड़ो नहीं तो कैसा होता है, दिमाग के जैसा होता है, तो वह दिमाग के लिए, और जब उसका आधा हिस्सा कर दे तो वह हार्ट जैसा उसका स्वरूप हो जाता है, तो हार्ट और दिमाग दोनों के लिए अखरोट बहुत बढ़िया होता है। हाँ, सब्जियां भी इसी प्रकार से महाराज जी, सब्जियां भी इसी प्रकार से, जरा विचार करिए जो जो जिस आकार का लिया हो वह सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर उतनी उसी प्रकार की व्यवस्थाओं को निर्धारित करती है। तो ये कोई हमारे यहाँ पर वो नहीं है, आप जीवन में हम लोग खा कर रहे हैं आज के समय में, जरा विचार करिए, रखा हुआ कुछ काल का बासी सलाद, हाँ रखा हुआ कुछ काल का नमकीन बासी या सलाद, नर तामसी अपवित्र भोजन भोगते झूठा पड़ा। हमारा हम लोगों की स्थिति क्या है, ताजा नहीं खा रहे हैं हम लोग, भोगना है, भोग लगाना है, हमें हम जो है वो जो खा रहे हैं वो हम, अच्छा हम क्या कहते हैं, अरे साहब हम आनंद के, हम तो साहब अपना आनंद लेने के लिए हम जीवन जीते, नहीं हम जीवन में आनंद भी नहीं ले पा रहे हैं। आज आप जरा विचार करिए, आनंद भी हम लोग नहीं ले पा रहे, हमारी स्थिति अलग हो गई है। ये जो व्यवस्था है ना, मासिक धर्म जब होता है हमारे यहाँ माताओं को, स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को, कन्याओं को, जब मासिक धर्म होता है तो मासिक धर्म में हमेशा गर्म चीजें दी जाती जिससे कि उनका मासिक स्राव में अंदर, जैसे हल्दी मिला हुआ दूध है, अब आजकल की लड़कियां कहती नहीं साहब हल्दी मिला हुआ दूध नहीं, तो उससे तो और ज्यादा होगा, नहीं ज्यादा नहीं होगा, वो आपको एंटीसेप्टिक है, वो आपके अंदर में हल्दी जब जाएगी तो वह गर्म करती हुई उस जगह की जो है बिल्कुल सफाई कर देगी, साथ में वह एक प्रकार से अंदरूनी मरहम का काम करेगा दूध। स्नान नहीं करना चाहिए मासिक धर्म के अंतर्गत में, हमारे यहां प्रावधान नहीं है, सॉरी टू से, क्यों अजा इसका शरीर जन्य, इसका अगर आप विचार करें तो हमारा शरीर उस समय स्त्रियों का, माताओं का, सबका शरीर जो होता है उस समय गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो जरा विचार करिए ऐसे गर्म शरीर के ऊपर, अरे ये बात तो हमारे यहाँ पर छोटा एक जो खेल को खेलने वाला बच्चा होता है वही भी जानता है, बोले वो क्या जानता है कि जब बॉडी गर्म हो, जब शरीर गर्म हो तो शरीर गर्म के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए। यहां पर तो आप नहा रहे हैं तो क्या होता है, बोले जैसे गर्म तवा होता है, गरम तवे के ऊपर आप पानी की बूंद डालिए तो क्या होगा, छन्न करती हुई उड़ जाएगी। अगर आपका शरीर में पसीना बह रहा है और पसीने में आप ठंडा पानी पिएंगे तो क्या स्थिति होगी, जरा विचार करिए, अंदर की जो मांसपेशियां ना वो खराब हो जाती है, शिथिल खत्म। उसी प्रकार से जब आपकी अंदरूनी शरीर मासिक धर्म को, रजो धर्म को धारण किए हुए है और उस समय पर आपने पानी डाल करके स्नान किया तो निश्चित हर मातृ शक्ति को वायु रोग होगा, जोड़ों में दर्द होगा, वायु संबंधी रोग हमेशा होगा क्योंकि वायु बैठ जाता है। लेकिन ये चीजें अब आजकल हम लोग रहे हैं, नहीं है ये
बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता है, वो बात अलग है कि हमने उस तथ्य को, उस सत्य को नहीं स्वीकार, वो बात अलग। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी हमारे यहां बहुत सारी चीजें हैं। हमारे यहां हर चीज को एक समय के अनुरूप, कामसूत्र आज भी हमारे यहां विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी एक समय अवधि है, लेकिन उसकी एक आयु है, उसका एक व्यवस्था है कि बच्चा जब इस उम्र का हो जाएगा, उम्र के जब इस पड़ाव पर पहुंचेगा, तभी उसे वो शिक्षा दी जाएगी। ये ऐसे नहीं है हमारा भारत देश। हमारे भारत देश की जो शिक्षा संस्कृति है, जो शिक्षा प्रणाली है, सेक्स एजुकेशन आजकल हो गया, काम सूत्र नहीं है। हाँ। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाएगा। सेक्स एजुकेशन पढ़ाने वाले लोगों की मैं अभी डोंगरे जी महाराज जी का मैं सुन रहा था, आप लोग भी सुनिए अगर मौका लगे। हालांकि गुजराती में बोलते, गुजराती समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया एक बात बोली, मुझे याद आई बात जब मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में मैंने उनका लाल किले पर मैंने उनका सुना, तो उन्होंने मुझे उस समय मुझे एकदम से ध्यान, वो चीज एकदम से मेरे दिमाग में करंट लगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में कॉलेजों में वेदांत पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, ब्राह्मण नहीं है, आचार्य नहीं है। वेदांत कौन पढ़ा रहा है? वेदांत वह व्यक्ति पढ़ा रहा है जो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मात्सर्य से, ईर्ष्या से, जलन से युक्त है। जिसके मन में काम है, जिसके मन में क्रोध है, जिसके मन में लोभ है, जिसके मन में किसी दूसरे की वस्तु मुझे मिल जाए ये भावना है, ऐसा व्यक्ति जब वेदांत पढ़ाएगा तो वेदांत पढ़ने वाले उस छात्र का कल्याण नहीं होगा, वो वेदांत को समझ ही नहीं पाएगा। बोले वेदांत कौन? बोले वेदांत तो ऐसा आचार्य पढ़ाए, ऐसा गुरु पढ़ाए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मात्सर्य इन सब से परे हो, तब बच्चे को वेदांत समझ में आएगा, तब बच्चे को वेदांत समझ में आएगा। यह चीज मुझे आज समझ में आती है कि हमारे गुरुदेव जो थे, हमारे महर्षि जी श्यामानंद जी महाराज श्री गुरुदेव, वह इन सब चीजों, उनका जब आचार्य महामंडलेश्वर बनने का नाम आया तो गायब हो गए। हमारे प्रिंसिपल थे, हम लोग बड़े खुश हो गए, महाराज जो है हमारे गुरुजी अब जो है आचार्य मंडलेश्वर बनेंगे और जो है यहाँ के पीठ के, तो हमें हम विद्यार्थियों का बड़ा कल्याण मस्तु भद्रमस्तु शुभम चास्तु हो जाएगा। लेकिन हमें दूसरे दिन पता लगी कि वो अज्ञातवास पे चले गए। हमने हम ढूंढे तीन महीने तक उनकी खोज हुई, 2 से 2.5 महीने 3 महीने तक वह पीठ रुकी रही कि भाई श्यामानंद जी को लाओ, श्यामानंद जी को लाओ, गुरु जी को लाओ, उनको लाओ, वह इस स्थान के, और ढूंढे कहीं नहीं मिले, अज्ञातवास पे चले गए। और जब पीठ ने हमारे महाराज श्री जी वर्तमान समय के पुण्यानंद जी महाराज जो है, कृष्णानंद जी महाराज जी ने और बड़े महाराज जी ने, महिषानंद गिरी जी महाराज श्री जी ने विश्वनाथ के उस निरंजन पीठाधीश्वर के पद पर आचार्य महामंडलेश्वर का जब पट्टाभिषेक हमारे महाराज श्री जी पुण्यानंद जी महाराज श्री जी के रूप में कर दिया, तो एकदम से प्रकट हो गए हमारे गुरु जी श्यामानंद जी। जरा विचार करिए, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं बद्रीनाथ की यात्रा पे चला गया था, मुझे बनना मैं इस पद के योग्य नहीं। जो व्यक्ति वास्तविकता में ईश्वर के प्रति रहता है, ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है, उसकी व्यवस्था पर देखिए, उसको बड़ा सरल स्वभाव का हो जाता है, वो व्यक्ति बड़ा सहज हो जाता है, वो व्यक्ति ऐसा प्रति, वो मान सम, वो करे तो ठीक है यार, करो तो ठीक है, नहीं प्रणाम करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक, वो फिर पैसों के चक्कर में नहीं पड़ता। वो व्यक्ति फिर पैसों के चक्कर में नहीं पड़ता, फिर वो मान सम्मान के, डोंगरे जी महाराज श्री जी ने खुद कहा, डोंगरे जी महाराज श्री जी बोले कि ऐसा व्यक्ति निष्प्रही हो जाता है, ऐसा व्यक्ति बोले उसको अलग व्यवस्था रहती, वो मान सम्मान नहीं चाहता। और डोंगरे जी महाराज श्री जी का आप वो देखिए जरा, डोंगरे जी महाराज श्री जी का आप कभी मौका लगे तो आप वीडियो देखिए, YouTube पे जा करके वीडियो देखिए, तो डोंगरे जी महाराज श्री जी ऐसी विभूति थे, ऐसा व्यक्तित्व न भूतो न भविष्यति। मेरे जीवन काल में मैंने डोंगरे जी को देखा,
और डोंगरे जी महाराज श्री जी ने कईयों बार हनुमान श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की चर्चा की, और इतना सुंदर व्यक्तित्व परम श्रद्धे डोंगरे जी महाराज श्री जी का कि उनकी कथनी और करने कई सारे ऐसे व्यक्तित्व जैसे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, बड़ा सुंदर व्यक्तित्व। आप लोग कभी मौका मिले, अभी लॉकडाउन खुले नहीं तो आप लोग गूगल पर ही जाकर के स्वामी राम सुखदास जी की वसीयत पढ़ लीजिए। स्वामी राम सुखदास जी की वसीयत आप ये पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति कैसा था। स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी से तो हमारे पिताजी महाराज ने प्रेरणा ली थी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी से कईयों बार वो हमें बताते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोगों ने केवल इन कथाओं को, हम लोगों ने केवल और केवल कथा तक ही रहने दिया, पूजा को हमने केवल पूजा तक रहने दिया। जरा विचार करिए, लोगों ने अपनी सुविधा से हर चीज को स्वीकार लिया। आज हमारा धर्म सुविधा परक नहीं है साहब, हमारा धर्म धर्म परक होना चाहिए, धर्म के अंतर्गत में धर्म की व्यवस्था हरण होनी चाहिए।